गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ और मम्मी पापा रोहन सब लोग निकल गए एक जगह पे। तुषार अंकल का मामा का जैसा कि तबीयत खराब था मैंने बताया, तो आज उनका कंडीशन जो है थोड़ा सीरियस हो गया है, तो वो लोग सब वहाँ पे गए हुए हैं। तो जो भी हो, मैं अकेला हूँ मैक्स के साथ। मेरे को भी मतलब बुला रहे थे कि चलो एक बार घूमाओ, तुम जाके आयो, बट क्या करूँ, मैक्स को तो छोड़ के नहीं जा सकता। तो रोहन और पापा, मम्मी और तुषार अंकल, उनका बेटा, सब लोग गए हैं, तुषार अंकल एंड फैमिली। तो अभी मैं उठा, मैं सो गया था, फिर से मम्मी लोग निकल के गए होंगे 8:30 बजे कुछ ऐसे ही टाइमिंग पे। जो भी हो, तो अभी मैं उठ गया हूँ, अब जा रहा हूँ चाय बनाऊंगा और उसके साथ बिस्किट खाऊंगा, क्योंकि आज कुछ अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ है नहीं, ना ब्रेड है ना कुछ है, और मैगी भी नहीं है। तो जो भी हो, बिस्किट के साथ खाऊंगा। और ये देखो इस मुटके को, देखो इसका मुंह सूख जाता है अगर कोई कहीं जाता है तो। ऐसा लगता है सब इसको अबेंडन करके चले गए। रो क्यों रहा है? चल तुझे ट्रीट देता हूँ, आ आ आ आ, ट्रीट दूंगा, आजा आजा, चलो चलो चलो, ट्रीट दूंगा, आजा आजा आजा, ट्रीट दूंगा, आजा आजा, ट्रीट दूंगा, आजा आजा। तो गाइज ये है आज का मेरा नाश्ता, ठीक है, सुबह सुबह चाय और बिस्किट। और इन भाई साहब को मैंने अभी ट्रीट दिया, ये ट्रीट खाया है। और देखो मैंने कितने सारा मिर्ची का दाना डाला था, तो अभी छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे फूल का बीज डाला था, तो दो प्लांट उगा है, उसमें से एक ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, बाकी तो सबके सब मर गए। और ये देखो तरबूज का प्लांट भी हो गया। A few moments later. मैं अभी किचन में आ गया हूँ, आप लोग को लग रहा होगा जरूर कुछ कुकिंग करने जा रहा हूँ या फिर कुछ दिखाऊंगा आप लोग को। कुकिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, बट पूरा का पूरा लंच जो है त्रिशु के घर से आ गया, रोटी और पोटल आलू का सब्जी। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अंडा का भुजिया, जो कि बहुत ही ईजी एंड क्विक रेसिपी है। इसमें देखो मैंने सरसों के तेल में प्याज टमाटर और मिर्ची काट के डाल दिया है, और अभी तो पकाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही पक जाएगा इसमें मैं अभी अंडों को तोड़ूंगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, देख रहे हो ना कैसा पानी पानी जैसा हो रहा था, थोड़ा इसको सूखा सूखा होना है। तो गाइस देखो यहाँ पे अंडा को जो मैंने फोड़ के फेंट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मसाला अभी रेडी हो ही गया है, मसाला बोल रहा हूँ, सब्जी फ्राई हो ही गया है, नमक वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिया सब कुछ। और अभी अंडे को मैं अच्छे से फेंट ले रहा हूँ, जिससे कि और अच्छे से फ्लफी बने। वैसे तो अंडा का भुर्जी बनाना है, बट फिर भी फ्लफी बने इसलिए मैं इसको फेंट रहा हूँ अच्छे से। तो देखो गाइस अभी मैंने अंडा को ऐड कर दिया, अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा, ठीक है। गाइस देखो मेरा अंडा भुजिया जो है रेडी हो गया। धनिया पत्ता नहीं है, धनिया पत्ता होता तो ऊपर से ऐड करने से और अच्छा लगता है, बट धनिया पत्ता नहीं है। देखो गरम गरम है। चलो मैं अपना लंच कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। मैं अपना लंच का थाली आप लोगों को कैसे दिखाना भूल सकता हूँ, लंच का थाली आप लोगों को दिखाता हूँ पहले। तो गाइस मेरे लंच में देखो आज है रोटी, अंडा का भुजिया और उसके साथ है पोटल आलू का सब्जी, ठीक है। तो आंटी के घर से रोटी एंड पोटल आलू का सब्जी आया है, अब मैंने बनाया अंडा का भुजिया, ठीक है। तो ये है आज मेरा दोपहर का लंच। बाहर कितना गर्मी है गाइस, देख लो एक बार धूप, अभी तक मम्मी पापा लोग आए नहीं है। तो गाइस देखो गुगू के लिए, गुगू बोल रहा हूँ, मैक्सू के लिए मैंने क्या बनाया था, मैक्सू के लिए खिचड़ी बनाया था, अभी दही के साथ मिक्स करके मैं उसे खिला दूंगा, ठीक है। तो यही है मैक्सू का आज लंच, मम्मी को आने में तो देरी हो रहा है। इसमें चावल, दाल और पपाया, गाजर और आलू है, आलू वो भी शकरकंद वाला आलू है, और इसके साथ दही मिला के उसको खिला दिया जाएगा। तो भाई दोपहर का लंच मेरा भी हो गया और इन भाई साहब का भी हो गया। इन भाई साहब को मैंने अभी की अभी दही चावल मतलब दही और खिचड़ी खिलाया है इसका। और मैं आप लोग को एक चीज़ मेंशन करना चाहता था, वो जो खिचड़ी मैंने बनाया था ना, उसमें मैंने कोई मसाला ऐड किया, ना मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया, ना शुगर ऐड किया है, वो कुछ भी उसमें एडेड नहीं था, सिर्फ नॉर्मल वेजीज था, हल्दी था और चावल था और दाल था थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं। वो भी दाल मतलब कौन सा वाला जो डॉग के लिए आपके पेट के लिए मतलब प्रेफर किया जाता है वही दाल देना, ये नहीं कि जो सो दाल डाल दिया, एक बार अपने वेट से पूछ लेना। Later that same evening. देखो सब लोग उठ गए, मैंने पूजा वगैरह कर लिया, अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। इस डॉगी को देखो ये कैसे सो रहा है, अभी तक मम्मी पापा आए नहीं, रास्ते में आ जाएंगे कुछ ही देर में पहुंचेंगे। इसको देखो कैसे सो रहा है, कभी आपने ऐसे देखा है कोई डॉगी को ऐसे सोते हुए? अरे डॉगी, अरे डॉगी गुगू। मैंने आप लोग को बोला था कि कुछ ही देर में मम्मी पापा आ जाएंगे, बट लेट हो रहा है क्योंकि बहुत दूर है। तो उन लोगों ने सब लोगों ने जो है प्लान कर लिया कि डिनर जो है बाहर करके आएंगे, तो मैंने भी अपना डिनर जो है बाहर से मंगवा लिया कृषु गया लाने के लिए। तो आज मैं खाऊंगा मिक्स हक्का नूडल्स, यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है गुड्डू बिरयानी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट टाइम, वहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो वहाँ से वो लेके आएगा। और बस यही है,
अब आने दो, खाना दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसा है हक्का नूडल्स, कैसा दिख रहा है। ठीक है, और बने रहिए ब्लॉग पे, देखते रहिए। मुझे नहीं लगता आज आप लोग को मम्मी पापा से मिलना हो पाएगा क्योंकि बहुत ही लेट होने वाला है। मम्मी बोल रही थी कि अभी भी हम लोग को 1-2 घंटा और लगेगा आने में, तो चलो कल ही मिलना डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चिल है, एकदम चंगा है। ठीक है, तो अभी अब बने रहो ब्लॉग पे, जाओ मत, आ रहा है खाना, दिखाऊंगा मैं आप लोग को, उसके बाद जाना। यहाँ पे देखो इन भाई साहब का खाना पीना हो गया, मैंने अभी खिला दिया। बहुत परेशान करता है गाइज, आप लोग को एक मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कभी भी डॉग लाओ अपने घर पे, कभी भी अपने हाथ से मत खिलाना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है गाइज, बहुत प्रॉब्लम। अगर वो नहीं खा रहा है मत खाने दो, 1-2 बार खाना नहीं खाएगा बट उसके बाद फिर खाएगा, बट अगर आपने खिलाना शुरू कर दिया तो ये आपका जान खाएगा। जान खा रहा ना तू मेरा। गाइज एक भाई ऐसा होना ही चाहिए जो आपके अच्छे बुरे हर जगह पे काम में आया ना। देखो मैक्सो के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, ऑनलाइन से मंगाता महंगा पड़ता, बट ये जाके सब कुछ लेके आया। थैंक यू क्रिशो। बहुत गर्मी है ना बाहर, जाओ तो मैक्सो को ज्वाइन कर लो, क्रिशो एंड मैक्सो दोनों हो एसी में। उसको भी मैंने खाना खिला दिया जिससे आराम से हम लोग डिनर कर पाए। अब गाइस पहले क्रिशो का निकालता हूँ, ठीक है, इसी में ही देख लो, यही है, सेम ही है दोनों का, है ना। अच्छे से लाइट मार के एक बार दिखा देंगे हम। भाई ये मिक्स है, नीचे की तरफ चला गया ना सारा का सारा। देखो प्रॉन है, चिकन है, अंडा है, सब कुछ है। गाइस ये है आज का मेरा डिनर, देखो मिक्स हक्का नूडल्स, ठीक है, तो इसमें है आपका चिंगड़ी है, अंडा है और चिकन है, चिकन के चंक्स तो दिख ही रहे होंगे, सब नीचे की तरफ गिर गया गाइस, देखो यहाँ पे। तो ये है मेरा आज का डिनर, ये है चिंगड़ी देखो, ठीक है। तो गाइस चलो मैं अभी आप लोग को टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है, ठीक है, और कैसा लग रहा है। बहुत दिन के बाद मैं ये खा रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत दिन के बाद मैंने मंगवाया बाहर से खाना। आप लोग देख रहे हो कि फेस कितना साफ लग रहा है। बाहर का खाना नहीं खाने से ऐसा होता है, जब जब मैं बाहर का खाता हूँ गाइस इतना पिंपल होता है, क्या ही बताऊं मैं। तो चलो टेस्ट करते हैं। हर बार की तरह बहुत ही टेस्टी। मैं चाहता था कि और थोड़ा स्पाइसी हो, बट क्रिशु ने लेस स्पाइसी बनाया, ठीक है चलेगा, कोई ना, उसने जो प्रेफरेंस दिया होगा उन्होंने उसी तरीके से बनाया है, बहुत ही अच्छा है। आज का ब्लॉग जो है गाइस मैं यहीं पे एंड कर दे रहा हूँ क्योंकि और ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को। मम्मी पापा शायद आते आते 12-1 बज ही जाएगा क्योंकि अभी जस्ट निकला है उनका गाड़ी, खाना पीना उन लोग का हो गया है। तो चलो गाइस कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।